में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले उपचुनाव करहल विधानसभा के अंदर भी होने जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव यहां से विधायक पद छोड़कर मुख्य लोकसभा के अंदर सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे में इस सीट के ऊपर भी वापस विधानसभा के लिए विधायक के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी अपना प्रत्याशी यहां पर घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार से तेज प्रताप यादव को टिकट देकर मैदान में उतारा, जबकि आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी सीट पर प्रत्याशी फाइनल कर दिया है। बीएसपी की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले रमेश शाके बोध के नाम पर आज टिकट का फाइनल कर दिया है। आज इसकी घोषणा आपको बता दें कि मंडल प्रभारी पूर्व मंत्री गोरेलाल ने मैनपुरी आकर प्रत्याशी के नाम की है वो घोषणा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के लिए यह बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी अधिकांश सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी फाइनल कर चुकी है। यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों को लेकर बीएसपी अकेले अपने दम पर विधानसभा के उपचुनाव है वो लड़ने जा रही है। इसी के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी अलग अलग जगहों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। इसी के मद्देनजर उन्होंने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से भी अपना प्रत्याशी घोषित